भीषण जंग के बीच इसराइल की सेना ने गाजा के उत्तर पश्चिमी इलाके में जबरदस्त बमबारी कर दी। बताया गया क्या कि युद्ध शुरू होने के बाद से दरअसल ये सबसे खतरनाक हमला था, जिसके बाद गाजा में इंटरनेट की सुविधा बंद हो गई। फिलिस्तीन की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है। तो उत्तर पश्चिमी गाजा में जबरदस्त बमबारी की गई, जिसके बाद टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई है, ना तो इंटरनेट चल पा रहा है। उधर जंग के बीच इसराइल की सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का एक वीडियो जारी किया और ये बताया कि सैनिक वहां उत्तरी इलाके में लगातार हमास के लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने में जुटी है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें इसराइल के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, जबकि बड़ी संख्या में सैनिक गाजा के उत्तरी इलाके में गश्त करते हुए नजर आए। गाजा में हमास के लड़ाकों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बीच ये वीडियो इसराइल की सेना ने जारी किया और बताया कि पिछले कुछ दिन पहले ही सेना गाजा के कई इलाकों में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है, क्योंकि हमास को मिटाना इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है। गाजा में बिछे सुरंगों की जाल की आड़ में हमास के लड़ाके इसराइल की फौज का प्लान फेल करने में जुटे हैं, इसीलिए सैनिक भी उन लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। उधर इसराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों पर गाजा के अस्पतालों में छिपकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया, जिसके लिए सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसके जरिए एक अस्पताल में सुरंग का रास्ता होने का दावा किया गया। बताया गया कि गाजा के शेख हमद अस्पताल के नीचे सुरंग के अंदर जाने का रास्ता बना है और इसी का इस्तेमाल कर हमास के लड़ाके इसराइल के अलग अलग शहरों पर हमले कर रहे हैं। इसराइल की सेना ने दावा किया कि शेख हमद अस्पताल ही नहीं बल्कि गाजा के दूसरे अस्पतालों को भी हमास बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन दैट वाज कंडक्टेड ऑन द हॉस्पिटल देन रिवील्ड अ टनल दैट वाज बीइंग यूज्ड फॉर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इसराइल के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान शेख हमद अस्पताल में छिपे हमास के लड़ाकों ने उसके सैनिकों पर हमले कर दिए। इसराइल की फौज ने बताया कि अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमला करना उनका मकसद नहीं है, लेकिन ये चेतावनी दे दी है कि किसी भी कीमत पर हमास को बख्शा नहीं जाएगा।